तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी के एक नए अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग गैलरी के एक मॉड्यूल के नए अपडेट के बारे में, जो कि सैमसंग गैलरी में इनबिल्ड रहता है बट उसका अपडेट भी सेपरेट आता है। ये है बहुत ही कमाल की, इसके थ्रू आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में फोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। तो उसमें एक नया अपडेट आया है, नए अपडेट्स के बाद क्या नए चेंजेस किए गए और एक्चुअल में ये ऐप कैसे यूज़ करती है आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एज ए टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी के एक नए अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों उस ऐप का नाम है फोटो एडिटर, सैमसंग गैलेक्सी फोटो एडिटर, जो कि आपको गैलरी के अंदर इनबिल्ट ऐप मिलती है बट इसका ऐप अपडेट सेपरेट आता है। दोस्तों आप देखेंगे इसका अपडेट रोल आउट किया गया है 24 अप्रैल को, जिसका वर्जन नंबर है 3.2.2.3.43 एंड साइज इज 29.61 MB का। दोस्तों इस ऐप का काम क्या है, ये आपको एडिट करने में हेल्प करती है। मतलब कुछ भी चीज़ अगर आप एडिट करते हैं तो उसके थ्रू ये काम करती है और अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं। आज मैं आपको इस ऐप के नए फीचर या बोल सकते हैं जो कमाल के फीचर जो कि इसके अंदर आपको मिलते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको कर लेना है पहले तो उसको अपडेट। अगर आपके पास वहाँ अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको सैमसंग गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ जाना है एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक आपका फोटो एडिटर खुल जाएगा और आप यहाँ थ्री डॉट्स में जाके अबाउट फोटो स्टूडियो में जाके इसका अपडेट को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से जाकर आपको मिल जाएगा अपडेट का ऑप्शन। दोस्तों इसमें जो कमाल का फीचर था, इससे पहले वाले मतलब 1UI 5.1 में अपडेट में इसमें जोड़ दिया गया था, जो कि सही तरीके से मतलब थोड़ा सा हैंगिंग होकर वर्क कर रहा था, बट इस अपडेट के बाद वो अच्छा फीचर काम कर रहा है। वो ये है इरेज ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर, जो कि इससे पहले वाले वर्जन मतलब इसके पहले वाले वर्जन जो फोटो एडिटर था उसमें थोड़ा सा ही वर्क नहीं कर रहा था, बट ये वाले वर्जन में अपडेट होने के बाद बहुत ही कमाल का वर्क कर रहा है। जैसे कि आप दिख रहे होंगे ये लोग दिख रहे हैं पीछे की तरफ, मुझे इसको हटाना है तो मैंने वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और जिन जिन को एरिया को मुझे हटाना है उनको सेलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर इरेज पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे अब उसका जो मतलब इरेज करने का वो है कितना शानदार आएगा। आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट, वो तो मैंने जल्दी जल्दी में सेलेक्ट करा था, अगर आप अच्छे से उसको सेलेक्ट करेंगे तो बहुत शानदार तरीके से ऑब्जेक्ट इरेज वाला फीचर काम करता है। आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से वो उन्होंने उनको रिमूव कर डाला। ये फीचर का मुझे बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट लिखा उस अपडेट होने के बाद। उसमें कोई नया चेंजेस तो नहीं था बट उस अपडेट होने के बाद ये वाला फीचर मुझे बहुत ही शानदार लगा। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट इरेज कर सकते हैं, साथ में आप यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन और मिलता है शेडो इरेजर का। कैसे, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ट्री की आपको शेडो दिख रही है, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ जाना है एडिट में क्लिक करना है, एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे और यहाँ जाना है आपको ऑब्जेक्ट इरेजर पे एंड देन यहाँ पर जाना है आपको इरेज शेडो पे। जैसे ही आप इरेज शेडो में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर शेडो पूरी रिमूव हो जाएगी ट्री की। आप देख सकते हैं शेडो रिमूव हो चुकी है, आप चाहें तो बैक करके भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि शेडो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। ये जो है ना बहुत ही कमाल का यहाँ पर फीचर दिया गया है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को इरेज करना है तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसको यहाँ पर इरेज पे क्लिक कर देना है तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से इरेज हो जाएगा, जो कि बहुत शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। इससे पहले वाले वर्जन पे भी यारा फीचर था बट वहाँ पर इतना परफेक्टली इतना क्विकली वर्क नहीं करता था, वहाँ प्रोसेसिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम लेता था बट यहाँ पर बहुत ही क्विकली चल रहा है। इस अपडेट के बाद बहुत ही स्मूथली चल रहा है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ बट ये परफेक्टली मैंने उसको यूज़ करा था उस टाइम भी और अभी भी यूज़ करा है अपडेट के बाद। वो वाला बहुत ही पुअर था और ये वाला बहुत ही बेस्ट है इस अपडेट के बाद। अब मैं आपको इस ऐप के फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे मेन स्क्रीन पे तो यहाँ पर आपको क्रॉप करने के लिए मिलेगा, रोटेट करने के लिए ऑप्शन मिलेंगे फोटोज़ को, जो कि नॉर्मल मिलते हैं। यहाँ पर चाहें तो आप ऑटो ऑप्शन करेंगे तो ऑटो क्रॉप करने का ऑप्शन आपको बता देगा, ऑटो में करना हो तो आप ऑटो कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे बैक करके, यहाँ पर आपको मिलेगा फिल्टर का ऑप्शन, आप चाहें तो ऑटो फिल्टर भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं जिससे आपको ऑटो फिल्टर यहाँ पर बता देगा एड ऑन करके। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप बैक, बहुत सारे फिल्टर तो पहले ऑलरेडी यहाँ पर दिए गए हैं, आप जोन सा फिल्टर एड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं और अगर अपनी कोई फोटो में से निकाल के लगाना है तो आप यहाँ पर फोटो भी एड ऑन करके उस फिल्टर को यहाँ पर यूज आउट कर सकते हैं।
उसके बाद आएंगे यहाँ पर मिलेगा आपको कलर बैलेंस का, ब्राइटनेस बैलेंस का, कंट्रास्ट का, ये सबको यहाँ पर, शेडो वेडो सबको यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बगल में आएंगे आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ बनाना हो, ड्राइंग करना हो या कुछ लिखना हो तो आप यहाँ पर उसको भी यहाँ पर ऐड ऑन करके लिख सकते हैं, या कुछ मिटाना हो या कुछ और कुछ करना हो तो आप यहाँ पर उसकी कलाकारी कर सकते हैं। उसके बगल में आपको मिलेगा स्टिकर का ऑप्शन, जो भी कुछ स्टिकर आपको ऐड ऑन करना हो या फिर मतलब कुछ भी कलाकारी ऐड ऑन करना हो स्टिकर से रिलेटेड, आप यहाँ पर उसको ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मिलेगा टैक्स लिखने का, अगर आप कुछ टैक्स लिख के वहाँ पर फोटो में डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर फोटो में डाल सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल सब में मिलता ही है भाई, ये जो फीचर है ना ये सब में मिलता है, इसमें कुछ नया चेंजेस नहीं है, ये फीचर आपको सब में ही मिलता है। तो ये फीचर तो आपको सब में ही मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कमाल के फीचर, जो कमाल के फीचर हैं वो मिलेंगे आपको यहाँ पर, एडिट में क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा थ्री डॉट्स के ऑप्शन पे। यहाँ पर जो है जो ये कमाल के फीचर है, सबसे पहले है फेस इफेक्ट्स का। फेस इफेक्ट्स में जाएंगे तो आपको फेस को स्मूथ करने के लिए आप यहाँ पर उसका मतलब फेस को मेकअप के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं। ट्यून उसकी मैनेज करना हो, उसका जावा लाइन मैनेज करना हो, आईज मैनेज करना हो और उसका स्पॉट, अगर आपके उस चेहरे पर कोई डॉट आ रहा हो या फिर कोई मुहासा हो या फिर कुछ भी दाना हो तो आप उसका यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बगल में अगर आप उसका बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहें वो कर सकते हैं, आपकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहें तो लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड देन रेड लाइन से भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये वाला दिया गया। उसके बाद थ्री डॉट्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट इरेजर का मैंने आपको बता ही दिया, उसमें इरेज शेडो कर सकते हैं, इरेज रिफ्लेक्शन कर सकते हैं और कोई भी आपको ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो वो कर सकते हैं। बगल में जो बहुत ही कमाल का फीचर है स्पॉट्स कलर का, स्पॉट कलर जो कि बहुत शानदार है, आपको कोई भी कलर को हाईलाइट कर लेना है और वही कलर आपको सब जगह वहां पर मिल जाएगा जो कि बहुत शानदार लगता है। आप एक या दो कलर यहां पर उसको ऐड ऑन कर सकते हैं और ज़्यादा अगर आपको कहीं से रिमूव करना है तो आप सिंपली वहां से रिमूव करें, वो कलर वहां से रिमूव हो जाएगा, तो आप अच्छे से उस कलर को वहां से रिमूव कर सकते हैं जिससे आप अपनी फ़ोटो को या जिस चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहें उस चीज़ को यहां पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये चीज़ भी बहुत शानदार यहां पर दी गई है। उसके बाद जो यहां पर आप देखेंगे स्पॉट कलर का स्टाइल वाला जो फीचर दिया गया है ये भी बहुत शानदार है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, लाइक और यहाँ पर आप देखेंगे कलर पेंसिल, मतलब जो स्केचेस से रिलेटेड स्केचेस होते हैं ना ये आपको हर एडिटर ऐप में मिलते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, पहले नहीं थे, ये भी अभी यहाँ पर एड ऑन किए गए तो वो भी आपको यहाँ पर एडजस्ट करने को मिल जाएंगे। उसके साइड में आपको कलर में इसका ऑप्शन मिल जाएगा, आपको कोई कलर को ऐड ऑन करना हो या कम करना हो तो आप यहाँ से कलर को भी ऐड ऑन कम ज़्यादा आप यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब कि पूरे एडिटिंग के आपको फीचर यहाँ पर मिलने वाले। तो बट सबसे अच्छा फीचर मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट इरेजर का लगा इस अपडेट के बाद, तो बहुत ही शानदार कर रहा है। इससे पहले वाले अपडेट में मेरे पास उसी टाइम यारा फीचर ऐड ऑन किया हुआ था 1.1.5.1 में, उससे पहले मेरे पास यह फीचर नहीं था, बट अब ये फीचर बहुत ही शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वाला फीचर पता था या नहीं था, या फिर आपको इसमें जो मैंने आपको बताया फोटो एडिटर के फीचर पता थे या नहीं थे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो उसमें उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू।